हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइज, आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है इंडिया का चीपेस्ट आई लाइनर। ये आई लाइनर कैसा है और आईज पर लगने के बाद कैसा लगता है, इसके लिए गाइज आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि आगे आने वाली और वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो गाइज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है ओलिविया का आई लाइनर। ओलिविया ब्रांड का नाम सबने सुना ही है। ओलिविया का जो पैनकेक है, एक पैनकेक आता है, एक आपकी फाउंडेशन स्टिक आती है, जो ओलिविया की मेकअप स्टिक आती है, वो ज़्यादातर सभी लोगों ने यूज की हुई है। मैंने भी यूज की हुई है, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है, वो कंसीलर की तरह भी वर्क करती है। और ये है ओलिविया का आई लाइनर, और ये इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है, ब्लैक और येलो कलर की। जिस तरीके से मैबलिन का काजल भी ब्लैक और येलो कलर की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आते हैं। फ्रेंड्स, इस पे लिखा हुआ है ओलिविया लिक्विड आई लाइनर इज़ द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर लाइनिंग डिफाइनिंग द आईज़। यानी कि जो ये जो लिक्विड लाइनर है, ये आपकी आईज़ को जो है अच्छे से डिफाइन करता है। यूज़ इट टू शेप्टेल एनहेंस टू क्रिएट बोल्ड लाइन्स। आप इससे बोल्ड लाइन भी लगा सकते हैं। ओलिविया लिक्विड लाइनर इज़ लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट एंड कैन बी ईजिली रिमूव। और जब आप इसको रिमूव करोगे किसी मेकअप रिमूवर से तो ईजिली रिमूव भी हो जाएगा, ऐसा इस पर दिया हुआ है। और ये हम इसका ट्राई करेंगे अभी इसको ओपन करके। और फ्रेंड्स, इसकी एमआरपी जो है वो है 75 रुपीज़, एंड जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 121, एंड बेस्ट बिफोर डेट है 12/23। यानी कि आपको 3 इयर्स के आसपास इसको मिल जाता है इसका प्रोडक्ट यूज करने के लिए। और यहाँ पर ये जो जहाँ ये इसको बनाया जाता है उसकी सारी डिटेल वगैरह दी हुई है। और सेक बेल बिफोर यूज, अगर आपको इससे यूज़ करना है तो उससे पहले आप इसको सेक कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, और इसको बच्चों की पहुँच से दूर रखें, एंड ऑलवेज स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस पर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। हर्ब्स द ओलिविया, इसकी MRP जो है वो 75 है, तो ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है। जो लोग ज़्यादा मेकअप में पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। और गाइस, ये आपको लोकल जो आपकी मार्केट होती है वहाँ की शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगा। मैंने भी अपने यहाँ की कॉस्मेटिक शॉप से परचेज़ किया था, 75 इस पर MRP दी हुई है। कोई आपको अगर कम करके दे तो 70 के आसपास भी दे सकता है। चलिए इसको ओपन करते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस तरह की ट्रायंगुलर शेप की पैकेजिंग में ये निकलता है। और जो इसके कार्डबोर्ड की पैकेजिंग पे दिया हुआ है वो इस पर भी दिया हुआ है। ये यहाँ पर नीचे इसकी MRP और एक्सपायरी डेट के बारे में दिया हुआ है। कोई ड्राइंग वाटर रेजिस्टेंट इस पर भी लिखा हुआ है। और ये बड़ी सुंदर सी इसकी गोल्डन कलर की सी ये पैकेजिंग है, कैप की अच्छा है। और इसको ऐसे पहले सेक करना है और देखते हैं कि ये सच में वाटर रेजिस्टेंट स्मच प्रूफ है या नहीं है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस तरह की जो कैप है, इसकी टिप है, इस तरीके की है। तो चलिए हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसकी जो ये टिप है ये इस तरीके से है, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है। और ये देखिए कितना डार्क ब्लैक कलर है ये बिल्कुल। और अभी इसको देखते हैं कि ये स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ है या नहीं। हाँ, ये ड्राई होने में थोड़ा समय ले रहा है। तो फ्रेंड्स, ये लिक्विड लाइनर है इसलिए इसको मैट नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगा है। अब देखते हैं हम कि वाटरप्रूफ है या नहीं। इसको इस तरीके से आप वाटर डाल के देखिए। तो फ्रेंड्स, ये वाटरप्रूफ तो है, मेकअप रिमूवर से ये रिमूव होगा। ये देखिए, मैं पानी डाल के इसको, तो फ्रेंड्स ये स्मच प्रूफ भी है और वाटरप्रूफ भी है। और आपको इतने कम बजट में 70-75 के अराउंड आपको एक अच्छा वाटरप्रूफ स्मच प्रूफ आई लाइनर मिल जाता है। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए लिया है, मुझे अच्छा लगा है। चलिए अब इसको मैं अपनी आईज़ पर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ज़्यादा विंड वाला लाइनर नहीं लगा रही हूँ, जो डेली पर्पज़ में लगाते हैं वही लगा रही हूँ। सबसे पहले आपको हल्का सा इस तरीके से और इसको मिलाना है। देखिए कितना ब्लैक कलर है इसका।
गाइस, इसको होल्ड करना हमें काफ़ी आसानी होती है। और ये मैं लाइनर अप्लाई कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, इतने लो बजट में ये काफ़ी अच्छा लाइनर है। इसकी जो टिप है वो काफ़ी अच्छी है। आसानी से जिनको इशू होता है लाइनर लगाने में, आसानी से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये लाइनर बेस्ट लगा। आपको भी अगर अच्छा लगा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और गाइस, ये थी आज की फुल वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।